व रहमतुल्लाहि व वबरक़ू मैं अपने तमाम मज़स अपने हम सफ़र साथियों को अपने तमाम पीर भाइयों को अपने तमाम मुरीदीन को अपने तमाम चाहने वालों को और जो जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूर्य कुरेश के कारवा में शामिल हैं उन तमाम लोगों को और बिलखसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ से जिस जगह से जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं वो किसी भी खान वादे से जुड़े हुए हैं किसी भी सलासिल का हिस्सा हैं अमलियात के जस्तजु में रूहानियत की तलाश में सलासिल के जिक्र असकार और अशगाल की तालीमत लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग के जो आम लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके मसाइल का हल उनको हमारे खान वादे से मिले और जो परेशान हाल हैं अपने परेशानियों से अपने मुसीबतों से अपनी आजमाइशों से अपनी बीमारियों से अपनी रूहानी बीमारियों से अपनी जिस्मानी बीमारियों से या वो आमिलीन के जो अमल करते हैं और उसमें उनको दुश्वार का सामना होता है मुश्किलात का सामना आता है कहीं वो रुक जाते हैं कहीं ठहर जाते हैं कहीं फंस जाते हैं और वो चाहते हैं कि उनका हल क़ुरान और सुनत की रोशनी में बुज़ुर्गों के सये में और हमारी ज़ेर निगरानी में उनको उसका हल मिले मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान ख़ानदान कादरिया सिलसिला आलिया सहरवर्दिया चिश्तिया कलंदरिया अबुल अबुलिया जहांगीरिया हसनिया उस्मानिया तारिकिया शादिया में आपको एक बार फिर सफ़ीना मसाइल की एपिसोड एट सीज़न टू में ख़ुश आमदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवा दवा हैं जू जू वक्त गुजर रहा है सरय कुरैश का कारवां अपनी मंजिल की तरफ रूहानियत बरकतें समेटता हुआ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है और जो जो मेरे साथ लोग शामिल हैं चाहे वो सूर मजम्म शरीफ़ पढ़ते हैं चाहे वो सूर्य कुरैश पढ़ते हैं चाहे वो मुख्तलिफ नकुश की ज़कवात अदा करते हैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ मुख्तलिफताव की ज़कवा़त अदा करते हैं या अमलियात करते हैं हमारे बताए हुए अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी के कीमतें हीरे जवाहरात मोती अमलियात की सूरत में समेटते हुए अपने दामन में रख कर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अलहमद हमारी इस छोटी सी मेहनत और छोटी सी काविशों से वो लोग के जो ख़ुद बीमार थे और हमारे खान वादे से शिफा लेकर अल्हम्दुलिल्लाह आज वो अपने खान वादे की यानी कि अपने ही ख़ानदान की जीनत बने हुए हैं और लोगों का इलाज और लोगों की शिफा तकसीम कर रहे हैं लोगों को शिफा दे रहे हैं रब के हुक्म से यानी कि वो तरतीब और तरीकेकार जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे वो खुद कर अब लोगों का इलाज कर रहे हैं और चिराग से चिराग चला रहे हैं और ये रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही है बिलखसूस पाकिस्तान हिंदुस्तान में और बैरूनी ममालिकों में हमारे खान वादे का चर्चा है हमारे खान वादे की रूहानियत है हमारे खान वादे के वो तरीक़ेकार हैं जो इससे पहले के मखफूत हो चुके थे जो बुजुर्ग अपने सीने में ले गए थे और जो लोग अमलिया के बारे में जानते तो हैं लेकिन उनके तरीक़ेकार से वो गाफिल रहे और फिर वो ढूंढते 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 उनको एक ऐसा दर मिला कि जहाँ पे उनको उनके बुजुर्गों के बताए हुए अमाल भी मिले और उनको उनके तरतीब और तरीके कार भी मिले ऐसे गोया कि उनका गुमशुदा खजाना उनको मिल गया ये सहरा हमारे खानवादे के सर बनता है क्यों हमारे खानवादे ने राह अमलियात में मेहनत की अमलियात की दुनिया में आप लोगों के सामने ऐसे अमाल और नायाब कीमती सनत के साथ आप लोगों को तालीमत दिए तरीकेकार समझाए कि जिससे पूरी दुनिया में रोशनी फैली अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हम तारीखी शाजली हैं मैं अपने चाहने वालों से कहूंगा कि अगर वो शाजली का लकब शाजली का नाम इस्तेमाल करते हैं तो अपने साथ तारीखी जरूर लगाएं क्योंकि ये हमारी पहचान यह हमारी शनाख यह हमारी जान है क्योंकि मेरी पहचान मेरे मुर्शिद से है मेरे मुर्शिद की पहचान उनके मुर्शिद से है उनके मुर्शिद की पहचान उनके मुर्शिद से है यानी मेरी पहचान मेरे मुर्शिद हकीम तारिक अहमद कादरी जो मेरे वालद है मोहतरम हैं तो मैं तारीख़ी मेरी पहचान तो तारीख़ी शाजली मेरी पहचान मेरे मुर्शिद की पहचान उस्मानी क्योंकि उस्मान अली रहमतुल्लाह अलैह उनके मुर्शिद और उस्मान अली शाह साहब की पहचान हसनी क्योंकि वो हजरत शाह मोहम्मद हसन के खलीफा और शाह मोहम्मद हसन की पहचान इनायती कि वो हजरत इनायत हसन शाह साहब के मुरीद और हजरत इनायत हसन शाह साहब की पहचान नबी रजा शाह साहब से तो ये सिलसिला हमारी पहचान हमारे बुजुर्गों से है और अगर हम अपने बुजुर्गों की पहचान को खुद से जुदा कर देते हैं तो गोया हम हलाकत में पड़ जाते हैं जिसका कोई वारिस नहीं होता फिर शैतान उसका वारिस होता है तो गोया हमें फख्र होना चाहिए कि हम पूरा नाम लिखा करें अपने नाम के आगे अब जो मैं जिनका मुरीद हूं तो मैं अपने नाम के आगे की शादी लगाऊंगा क्योंकि मेरी पहचान मेरे मुर्शिद हैं अब जैसे गोया मेरे शागिर्द हुए मेरे मुरीद हुए उनकी पहचान कौन हुआ फिर मैं जिस तरह मैंने अपने नाम के आगे अपने मुर्शद का इजाफा किया इस तरीके से जो मेरे चाहने वाले हैं जो मुरीदीन हैं जो मेरे शागिर्द हैं तो वो मेरी पहचान से पहचाने जाएं जो मेरी नाम से पहचाने जाएंगे उनको फैज उसी तरतीब सिलसिले से मिलेगा जिस तरह फैज हम तक पहुंचा अब मैं अपने नाम के आगे उस्मानी नहीं लगाता क्यों क्योंकि मेरी पहचान उस्मानी नहीं मेरी पहचान तारीखी है मेरे वाले अपने नाम क्या है उस्मानी लगाते हैं क्यों क्योंकि उनकी पहचान है तो ये पहचान नोट कर लीजिए और इसको अपने साथ इस्तेमाल कीजिए ताकि इस नाम की बरकतें भी आपको मिलें और आप एक कड़ी और एक सिलसिले से जुड़ते चले जाए तो आइए हम आज अपनी ट्रांसमिशन का भी आगाज करते हैं तो सबसे पहले ट्रांसमिशन का आगाज़ करने से पहले मैं कुछ अहम बात आपसे करना चाहूँगा पहले सुन लें कि आज हमारी ट्रांसमिशन क्या है ट्रांसमिशन में मैं आपको हर्फ शिफा के बारे में बताऊँगा आज हर्फ शिफा क्या है हर्फ शिफा कौन से हर्फ कहलाते हैं हर्फ अफजा तो अट्ठाईस है ना उन अट्ठाईस में से कितने हरफ हैं जिनका ताल्लुक़ बिलखसूस शिफा से है और उसकी तरतीब क्या है उसका तरीकेकार क्या है और इनको हरफ शिफा क्यों कहा जाता है और इन हरफ शिफा का हमारे जिसम में होने वाले अमराज का क्या ताल्लुक है तो गोया कदीम अगर हम अपने माजी की तरफ़ रुख करते हैं अगर हम ए, कदीम की तरफ जाते हैं तो दौरे कदीमी में इन हर्फों के ज़रिए किस तरह बीमारियों का इलाज किया करते थे कि जब दवाएं नहीं थी जब टेस्ट नहीं थे जब ऑपरेशन नहीं थे उस वक़्त भी अमराज मूजी हुआ करते थे ना मूजी अमराज हुआ करते थे ना तो किस तरह हर्फ शिफा के जरिए वो अपने उन बीमारियों से शिफा लेते थे और ये वो हर्फ कि जिनके बारे में कहा जाता है कि हजरत इदरीस सलाम पर यह हर्फ का इल्म न हुआ था एक रिवायत में कि हजरत यही आलम के ऊपर ये हर्फों का इल्म नाजिल हुआ था लेकिन हजरत सलाम इनसे ज़्यादा मुस्ंद है कि आपके ऊपर हिल और हरफ ये, ये वो इल्म था गोया जो आप पर नाजिल किया गया था और फिर वहाँ से जब हर्फ नाजिल हुए तो किस तरह वो हर्फों के जरिए लोगों के इलाज करते थे रूहानियत तकसीम करते थे पैगाम देते थे और फिर वो क्या असर उतासी रखते थे और यही हरफ इन हर्फों के जरिए हम किस तरह ये पहचान कर सकते हैं किस तरह अपने अमराज का इलाज कर सकते हैं आज की ट्रांसमिशन हमारी ये होगी कि हर्फ शिफा के जरिए और इसके ख़ास तुलसम के जरिए जो हर्फ शिफा से तुलसम बनता है यानी कि इबारत बनती है जो तुलसम इसलिए कहा जाता है कि ये तुरंत काम करता है फ़ौर काम करता है और फोरी असर रखता है ऐसे कि जैसे गोया भड़कती हुई आग सीने में जल रही है और इंसान पानी का एक गिलास पी लो उसकी आग भुज जाए इसी तरीके से मर्द जब अपने उरूज की तरफ बढ़ता है और जब हम इन हर्फों का इस्तेमाल करते हैं तो वो मर्द ठंडा हो जाता है तो वो कौन से हर्फ हैं हम जिस पे बात करेंगे हम इन हर्फों का नक्श आपको देंगे उस नक्श की तरतीब बताएंगे उस नक्श का तरीक़ेकार समझाएंगे कि अगर हम रूहानी मालिज हैं तो हम किस तरह इन हर्फों के जरिए दूसरे लोगों का इलाज कर सकते हैं एक होता है गोया खुद का इलाज करना एक होता है सामने वाले का इलाज करना हम अपना भी इलाज हर्फ शिवा के जरिए कर सकते हैं दूसरों का भी इलाज हर्फ शिवा के जरिए कर सकते हैं और इसमें हम शैतानी अमराज को भी दूर कर सकते हैं जिसमानी अमराज को भी दूर कर सकते हैं बदनी अमराज को भी दूर कर सकते हैं और वो अमराज कि जो जिन्होंने हमारे वजूद के अंदर हमारे जिस्म के अंदर जगह बना लिए कायम मकाम हो गए हमें झिंझोड़ कर रख दिया हम ऐसे हर्फ शिफा की बदौलत हरफ शिफा से हम किस तरह अपने झिझोड़े हुए बदन को उस झिझोड़े हुए बदन को कि जो अम्बराज से जकड़ गया हो हम निकाल कर जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक सकते हैं अगर हमें तरीका मालूम है तो यह हमारी आज की ट्रांसमिशन होगी कि जिसके ऊपर हम गुफ्तु करेंगे और आपको उन हरफ शिवा के बारे में बताएंगे तो अपनी इस ट्रांसमिशन शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मुझे देख रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ट्रांसमिशन को शेयर कर दें अपने तमाम ग्रुप में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएं और जितने हरफ शिवा लोगों तक पहुंचते जाएंगे पहुंचते जाएंगे आप भी उस कार्य खैर में, में मेरे साथ शामिल होते चले जाएंगे अब मैं बात करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बुज़ुर्गों के हुक्म पर खासकर मैं यूँ कहूँगा कि जेर निगरानी मेरे मुर्शिद के हुम पर मेरे वालिद मोहतरम हकीम सूफ़ी तारिक अहमद शे आरिफ उनके हुकम पर मैंने एक सिलसिला शुरू किया है राह अम्लियात का कि जिसमें हम करेंगे तीन महीने में यानी रजब शाबान और रमज़ान में मेरे साथ मिलकर एक अमल और एक ऐसा तरतीब और ऐसा कि जो आपको तैयार करता है पूरे साल के लिए कि जब आप मुझे ये तीन महीने देंगे और जो तीन महीने जिस तरतीब और तरीके से मैं आपको समझाऊंगा आपने अगर वो अमल मेरे कहने पर तीन महीने परहेज के साथ कर लिया और अगर वो लोग के जो बीमार हैं परहेज नहीं कर सकते तो वो भी शामिल हो सकते हैं लेकिन वो अपने बारे में बता दें कि वो किस बिना पर परहेज नहीं कर सकते तो मेरी तरफ़ से उनको भी इजाज़त है कि वो भी इस तीन महीने के अमल में मेरे साथ शामिल हों क्योंकि ये अमल तीन महीने का जो मैं आपको सिखाऊंगा आपको समझाऊंगा और एक एक चीज़ आप पे मैं जाहिर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह हमने तशीस करना है किस तरह हमने अपने नश की ज़क़ात अदा करनी है किस तरह हमने ये अमल करना है किस तरह हमने ये प्रैक्टिस करनी है और ये काम करने का दौरान हमारा क्या होगा आपने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक घंटा देना यानी कि सिक्सटी मिनट साठ मिनट आपने मुझे एक दिन में देना है तो साठ मिनट को आप मल्टीप्लाई करो तीन महीने पे, तो ये वक्त आपका मुझे चाहिए और इस वक्त के बदले मैं अपना वक्त आपको दूंगा कि जिस तरह हर दिन आप 60 मिनट तक मुझे सुनते हैं मुझे देखते हैं मुझे बर्दाश्त भी करते हैं कुछ लोग कि डॉक्टर साहब इतनी लंबी वीडियो बनाते हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि आसानी के साथ आपको एक एक लफ्ज़ हर्फ ब हर्फ आपके जहन नशी करा दूं आपके समझ आ जाए बाकी वो मेरा कोई मकसद नहीं है मैं अपनी ट्रांसमिशन दो लफ्ज़ों में करके अपनी ट्रांसमिशन ख़त्म कर सकता हूं लेकिन उन दो लफ्ज़ों का जो मैं करके ख़त्म करूंगा आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा चाहे मैं आपको इसमें आजम ही तालीम क्यों ना कर दूं आपको फायदा नहीं होगा जब तक आप उसमें आजम की हकीकत तक नहीं पहुंचेंगे उसकी अहमियत को नहीं जानेंगे उसके बारे में नहीं जानेंगे उसके फजाइल के बारे में नहीं जानेंगे उसकी फजीलत के बारे में नहीं जानेंगे उसकी अजमत के बारे में नहीं जानेंगे उस वक्त तक आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा तो आपने तीन महीने के अंदर मुझे देना है राह अमलिया से लेकर राह सलूक तक मैं आपको लेकर जाऊंगा राह अमलियात पर गुफ्तु करूंगा मैं और राह सुलूक पर गुफ्तु करेंगे मेरे मुर्शिद मेरे ही चैनल पर आपके लिए यानी कि मैं तन तनहा राह अमलियात में होऊंगा, लेकिन राह सुलूक में मिया हुजूर आपके लिए आपके साथ होंगे यानी जो अमल मैं आपको समझाऊंगा जो अमल मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगा जिस अमल के बारे में मैं आपको तीन महीने में लेक्चर दूंगा, उसकी हकीकत उसकी अहमियत आप हज़ूर से खुश सुनेंगे मेरे चैनल पर आप उनको जानेंगे उनको देखेंगे और इजाज़त और फिर उसके कमलत फिर उसके फ्योज़ात और उसकी बरकतें यानी कि वो अमल जो हम करेंगे राह अमलियात में उसी की बात तफसीर होगी राह सलूक में तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा तीन महीने रजब शाबान और रमजान हमारी ट्रांसमिशन शुरू होगी याद रखें कि चांद की 28 तारीख तक यानी कि अब मिसाल के तौर पे हमारे अगर चांद आज दिखाई देता है तो बैरूनी ममालिक में एक दिन पहले चांद दिख जाता है जैसे सऊदी अरब में आज 21 तारीख है आज 23 तारीख है लेकिन यहाँ पर बाईस लगी वहां तेईस लग गई तो हम जो सऊदी अरब की जो तारीख़ होगी चांद की पहली तारीख हमारी ट्रांसमिशन तब से शुरू होगी और एक दो दिन पहले आपके पास इंट्रो एक लेक्चर आएगा कि जिसमें आपको बताया जाएगा कि तीन महीने में आपने करना क्या है किस तरीके से करना है किस तरतीब से करना है कैसे करना है और किस वक्त करना है कौन सा वक्त आपको मुकर होगा उस वक्त में आप मेरे साथ जुड़ेंगे कि मुझे आपका सिर्फ और सिर्फ साठ मिनट चाहिए और साठ मिनट भी वो शख्स के लिए कि जो बिल्कुल आराम से तरतीब के साथ ये अमल कर ले क्या आप चौबीस घंटे में से मुझे एक घंटा नहीं दे सकते बिल्कुल दे सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो ये सोचा था कि मैं आप लोगों के जूम पर क्लास लूँगा या गूगल टीम पर क्लास लूँगा मैंने तो सोचा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा अगर शागिरद जमा होंगे तो दो हो जाएंगे तीन हो जाएंगे चार हो जाएंगे लेकिन आपको हैरत होगी कि अलहमदिल्ला आपके साथ कार्रवा में शामिल सौ में नहीं बल्कि हज़ारों में हो गए यानी कि कम वेश कमेश तीन हज़ार से ज़्यादा हमारे साथ इस कोर्स में लोग शामिल होंगे और जिनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है मैं उनका आपको बता रहा हूँ कि आज की तारीख तक तकरीबन दो ढाई हज़ार से प्लस कर चुके हैं और अभी एक हफ्ता बाकी है तो मैं समझता हूँ तीन हज़ार प्लस हमारे साथ स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे जो फीस अभी लाला है इसकी कोई फीस नहीं है इसमें मैं आपसे कुछ तलब नहीं करता मैं अगर कुछ आपसे तलब करता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ तलब करता हूँ आपका वक्त कि जो अनमोल है कि जिसकी कोई कीमत नहीं है मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप इसकी फीस पांच हजार रुपए महीना पे करें दस हजार रुपए महीना पे करें तीन हजार रुपए महीना पे करें या हजार रुपए महीना पे करें मैं आपसे कुछ नहीं कहता मैं सिर्फ आपसे आपका वक्त मांगता हूं कि आप मुझे अपना वक्त देंगे जो आपके समझ लो कि यह वक्त जो आपने मुझे दिया इस वक्त का कोई मोल नहीं होगा और यह वक्त आपका अनमोल होगा फिर आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप एक घंटे की बात कर रहे हैं हमें इतने तीन महीने में इतना फायदा हुआ कि हम अपनी पूरी जिंदगी आपको देने को तैयार हैं क्यों क्योंकि इस तीन महीने को हमने क्या करा है मैंने अपने पूरी पच्चीस साल की रियाजत को समेट कर सालों में नहीं बल्कि महीनों में लाके खड़ा कर दिया यानी कि मैं अपने ज़िंदगी का लब लुबाब यानी कि उसको मुख्तसर अगर मैं करता हूँ ना तो मुख्तसर और जामे वो चीज़ आपको तालीम करूँगा जिस पर मुझ को कमांड हासिल होगी यानी कि जिस पर मेरी खुद की रियाजत होगी और रियाजत दिनों और महीनों की नहीं बल्कि सालों की रियाजत और खुश नसीबी ये कि मैं आपको वो चीज़ तालीम करूंगा कि जिस पे मेरी सालों की और मेरे मुर्शिद की जिंदगी भर की रियाजत उससे आप इस्ता हासिल करेंगे उससे आप सिलसिले का काम करेंगे उससे आप सिलसिले की पहचान बनेंगे उससे आप सिलसिले का नाम रोशन करेंगे उससे आप अपना सिलसिला बनाएंगे लेकिन अगर नस्बत तरतीब जुड़ी हुई होगी तो आपको फैज होगा और तरतीब से हटेगी तो फेस मुनकता हो जाएगा तो राह अमलियात में इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारा इंट्रो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए या जिन लोगों को नहीं पता चला अभी पता चला है तो आपके फॉर्म का लिंक उसके अंदर मौजूद है आप उस फॉर्म के अंदर ज्वाइन हो जाएं तो इन शाह तल ताकि हम अपने सिलसिले का अपने इस तीन महीने का आगाज़ कर सकें अच्छा अब इस तीन महीने में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनसे एक दरख्वास करना चाहूँगा क्या वो दरख्वास्त ये कि आप लोग मेरे साथ आप जो भी साहिब हैसियत हों मैं आप पे कुछ लागू नहीं करता मैं आप पे कुछ नहीं करता मैं आपसे कुछ नहीं कहता सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो कार्य खैर में मेरे साथ लोग शामिल होंगे तो ये कारवा बढ़ता चला जाएगा आप कार्य खैर क्या है कि रजब शाबान और रमज़ान ये तीन महीने ऐसे हैं कि जिन तीन महीनों के अंदर हम कार्य खैर करते हैं नेकी का काम करते हैं तो उसका सवाब हमें दुगना मिलता है हम इस तीन महीने के अंदर बाकायदा तौर पर महफ़िल कातमाम करेंगे जिसमें आप भी लाइव होंगे और उसमें लंगर का अहतमाम करेंगे खाने का अहतमाम करेंगे पीने का अहतमाम करेंगे और उसमें नज़र न्याज का अहतमाम करेंगे और फिर जो लोग रोज़ा रखेंगे उनके इफ्तार का इंतज़ाम करेंगे जो लोग सहर करेंगे उनका सहरी का इंतज़ाम करेंगे और फिर वो घरान जो वो घराने जो कमज़ोर हैं और बड़े आला घर आने हैं हम उनके खामोशी के साथ उनके घर में हर उस चीज़ का अहतमाम करेंगे जिस चीज़ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है जैसे मामूलती ज़िंदगी में खाने पीने की अशिया पहनने ओढ़ने की अशिया ये है कार्य खैर इसमें जो लोग मेरे साथ कार्य खैर में शामिल होंगे तो वो लोग भी इस कार खैर में जरूर शामिल हो उसमें आपकी मर्जी है ये मैंने अख्तियार आपके दिया अल्लाह ताला ने जितनी आपको तोफी दी है आप अपनी तोफ़ी के हिसाब से यानी कि अल्लाह ताला ने आपको जितनी तोफीक दे अल्लाह ताला ने जितना आपको नवाजा है आप उसके मुताबिक जो आपका दिल करता है अगर एक रुपया दिल करता है तो आप एक रुपया उसमें सेंड कर दें अगर आपको दिल करता है दस दस पचास जो चीज़ आपके अख्तियार में हो आप इस कार्य खैर में हिस्सा डालें क्यों क्योंकि आपकी मिसाल उस परिंदे के मानंद होगी जो समझ लें कि अपनी चोंच में एक कतरा पानी लेकर हजरत इब्राहिम सलाम की आग के लिए जो वो परिंदा आग बुझाने के लिए गया था उसने नेकी करी थी और वो नेकी ऐसी हुई कि वो अल्लाह के दोस्तों में शामिल हो गया परिंदा तो आप इस कार्य खैर में रजब शाबान और रमजान जब आपका दिल करे आपका आ, स्क्रीन पर आपके नंबर मौजूद है मेरा पर्सनल नंबर आप लोगों का मौजूद है याद रखिएगा कि अगर आप कार ख़ैर के अंदर कुछ भेजना चाहते हैं तो ये चीज़ देख लीजिएगा कि टाइटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ़ मोहम्मद वाजिद होना चाहिए तो वो हम तक पहुंचेगा और जो लोग भेजेंगे फिर हमारा शाजिल इस्लामिक सेंटर आपको बकायदा तौर पे उसकी रिसीविंग देगा कि हम तक आपने दस रुपए भेजे आपने हजार रुपए भेजे आपने पांच हजार रुपये भेजे आपने दस हजार भेजे या जो भी आपने भेजा वो आपको उसकी रिसीविंग आपको आपके, आपके व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगी इनशाला तो हम इस तीन महीने के अंदर इंशाला हमने सिलसिला शुरू किया इसलिए आपका भला हो मेरे पीछे आने वाले जो लोग हैं उनका भला हो और मेरे साथ खड़े हुए जो लोग हैं उनका भला हो और उनके घरों का भला हो और जो लोग कमज़ोर हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग कहें कि डॉक्टर साहब हम आपके साथ चल रहे हैं लेकिन हमारे माली हालात ठीक नहीं है तो डॉक्टर साहब के पास जो कुछ होगा डॉक्टर साहब उसमें से आपकी मदद करेंगे आप भी जो कमज़ोर हैं अपना डेटा लिख हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं चाहे पाकिस्तान में किसी शहर से ताल्लुक़ रखते हों चाहे किसी जगह ताल्लुक़ रखते हों हमारा इदारा आप तक खुद आपकी मदद करेगा तो इस कार्य खैर में अल्लाह तबा हमें तोीक अता फरमाए और सबको साथ चलने की तो नीयत अता फरमाए और जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे करेंगे इन शाह अब आपको दोनों तरफ का फैज़ है जाहरी भी और बातनी भी राह अमलियात डॉक्टर अब्दुलवाजिद शाजवी राय सलूक मेरे वालिद मोहतरम मेरे पीरो मुर्शिद हकीम सूफी तारिक अहमद शाह आरिफ उस्मानी तो चाहिए अब अब हम शुरू करते हैं अपना हर्फ शिफा अच्छा अब मायने ये रखता है कि हर्फ शिफा है क्या सबसे पहले ये देखें कि हुरफ तहाजी में जो कहा जाता है ना वो है अट्ठाईस हर्फ अच्छा उन अट्ठाईस हर्फ में से दस हर्फ ऐसे हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि ये शिफाई हर्फ हैं, यानी कि इन हर्फों के अंदर वो कुत मौजूद है कि जिसे शिफाई कुत कहा जाता है यानी हम उन हर्फों के जरिए उन हर्फों से वो शिफा हासिल कर सकते हैं जो उसमें पोशीदा है यूँ तो सारे हर्फ अपनी मिसाल आप हैं क्योंकि तमाम हर्फों से मिलकर ही इबारतें बनती हैं इबारतों से मायने बनते हैं, मायने से फिर एक पूरा जुमला बनता है और एक पूरा हमारे हर चीज़ समझ में आ जाता है लेकिन वो दस हर्फ कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हर्फ शिफा हैं वो कौन कौन से हैं आइए मैं आपको उन दस हर्फ के बारे में बताता हूँ और फिर बताता हूँ कि इसमें से कितने आतिशी हैं कितने वादी हैं कितने आबीए हैं कितने खाकि हैं किसका ताल्लुक किस सयारे किस से किसका ताल्लुक क्या है और किस हर्फों की नमेरिकल वैल्यू क्या है और उन हर्फों के अदद कितने बनते हैं और उन हर्फों का मिजाज क्या है आइए मेरे साथ मैं आपको समझाता हूँ बिसमान अब देखें <coughs> बिसमिल्लाहमान रहिम बिस्मिल्ला दस हर्फ ऐसे हैं कि जिनको कहा जाता है कि ये दस हरूफ हर्फ शिफा है यानी अपने अंदर वो शिफाई कुत समेटे हुए वो शिफाई कुत जो इनके अंदर महफूज है और वो रूहानी क़वत जो इनके अंदर मौजूद है वो है नंबर वन अलिफ बाए जोए काफ़ लाम और या वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये टेन कौन से हैं जिनको कहा जाता है हर्फ शिफा अब अलीफ़ की नुमेरिकल वैल्यू क्या है वन बे की नोमरिकल वैल्यू क्या है टू ते की नोमरिकल वैल्यू क्या है चार सौ से की नोमेरिकल वैल्यू क्या है पाँच सौ की नोमेरिकल वैल्यू क्या है नौ जोई की नोमेरिकल वैल्यू क्या है नौ सौ और फे की नोमेरिकल वैल्यू क्या है एट्टी अस्सी काफ की नोमेरिकल वैल्यू क्या है बीस लाम की तीस ये की दस अलीफ़ की नोमरिकल वैल्यू वन बे की अदद दो चार के अद चार सौ से के अद पाँच सौ तो केदद नौ सौ जोए के अदद नौ सौ नौ नौ सौ और फे के अदद अस्सी काफ के ट्वेंटी लाम के थर्टी ये के टेन अब हम इनको प्लस करते हैं वन और टू थ्री चार सौ तीन और नौ सौ तीन इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आदद बनेंगे वन नाइन फाइव टू यानी कि उन्नीस सौ बावन कितने बनते हैं इसके अदद कितने बनते हैं उन्नीस सौ बावन ये इसके अदद बनते हैं अगर हम इसको अदद को प्लस करते हैं यानी कि नौ और एक दस दस और दो बारह बारह और पाँच बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह आड़। अगर आर्ट के हिंसे को देखा जाए तो आर्ट के हिंसे के बारे में कहा जाता है कि यह हिंसा जो है यह अपने अंदर उन खैर की कुतों को अपने अंदर समेटे हुए जिन्हें शिफाई कहा जाता है यानी कि आठ का हिंसा लकी हिंसा कहा जाता है अब मैं मिसाल के तौर तो पे इसकी मिसाल में आपको ऐसे दे देता दे हूं जैसे एक बंदा कोई गाड़ी खरीदता है एक बंदा कोई घर खरीदता है अब आ, मिसाल के तौर पे किसी के घर का आदाद आया आ, मिसाल के तौर पर किसी के घर का आदाद आया वन टू थ्री टू यानी कि बारह सौ बत्तीस अब बारह सौ बत्तीस को जमा करते हैं दो और एक तीन तीनों तीन छः छः दो आठ यानी कि उसके लिए घर लकी हुआ अब किसी के घर का आदाद है तिरपन तिरपन का बनता है आठ तो उसका घर अच्छा हुआ अब कोई गाड़ी लेता है गाड़ी के अदद बनते हैं दो चार दो मिसाल के तौर पर अगर हम इनको जमा करते हैं दो चार छः छः दो आठ तो अगर आठ के हिस्से की अगर हम कोई गाड़ी देखते हैं कोई घर देखते हैं कोई चीज़ देखते हैं कि जिसके नंबरिंग होती है अगर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जो आर्ट का हिंसा बनता है ना उसमें नुकसान का अंदेशा माइनस में होता है कम से कम होता है उसमें रेशो प्लस में होता है और वो हिंसा के जो ताक में होता है उसमें माइनस का रेशो ज़्यादा होता है और प्लस का रेशो कम होता है तो एक तरीके से अगर देखा जाए इल्म इल्मत के अंदर अगर इस नुक्ते पर अगर हम काम करते हैं इस नुक्ते की अगर कैलकुलेशन करके अगर हम किसी चीज़ की सेल और परचेज करते हैं तो गोया कि वो हिंसा के जो दो पर आया उसमें नफा आपको प्लस में जाएगा नुकसान माइनस में जाएगा चार आया तो थोड़ा सा और प्लस में जाएगा माइनस कम में जाएगा छह आया तो थोड़ा सा और प्लस में जाएगा और नुकसान माइनस में जाएगा आठ आया तो प्लस है आठ आया तो प्लस है अगर इल्मुल आदत के अंदर अगर ये ताक में आता है ताक में आता है तो इसमें थोड़ा सा रेशो कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि जो ताक के जो रेशो है ना वो जलाल के साथ हैं जुफ्त के जो रेशो हैं वो जमाल के साथ हैं यानी अब जलाल तो कहर भी होता है जलाल तो शफकत भी होती है लेकिन वो आजमाइश वाली होती है वो हर एक बर्दाश्त नहीं कर पाता लेकिन जुफ्त जो जमाल है वो अपनी मिसाल आप है तो एक रेशो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एक कुलिया दिया है तो आर्ट का हिंसा जो हिंसा है वो ऐसा हिंसा है कि जिसके बारे में बड़ी रिसर्च है आप उसको सर्च भी कर लो किताबों में भी पढ़ लो इलम आदत में भी देख लो आर्ट के हिंसे की जो तासीर है ना वो सबसे मुख्तलिफ नंबरों में सबसे मुख्तलिफ है <coughs> किस हिंसे की आर्ट के हिंसे की तादाद अब ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिंसे की अब मैं इसको रिमूव करके असल में हमारे इम आदत की तरफ चला गया जबकि मुझे समझाना शिफाई हरूफ का था तो चले एक रेशो मैंने एक एक कुलिया छोटा सा दे दिया ठीक है ये मेरी अपनी राय है ठीक है कि जिस तरीके से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ नॉर्मली अगर कि चल रहा हूँ किसी ने बोला डॉक्टर साहब ये गाड़ी देख लें कैसी है अब मैं गाड़ी देखता हूँ उसके नाम पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है गाड़ी किसके नाम करोगे वो बोलता है मेरे नाम करता हूँ अब मैं उसके नाम के आदत देखूंगा और गाड़ी के नाम के आदत देखूँगा अब गाड़ी के नाम के आदत दे दे बनते हैं ताक में उसके नाम के आदत बनते हैं ताक में अब अब मैंने दोनों को मिलाया तो आदत जुब बन रहा है तो उसको फ़ायदा होगा आसान तरीका समझाया मैंने आपको अब अब उसके नाम के आदत मिसाल के तौर पर बनते हैं चौदह चौदह यानी कि चार और एक पाँच अब गाड़ी के अदद बनते हैं नौ सौ ग्यारह नौ दस ग्यारह ग्यारह का दो दो और पाँच सात अब बनता है ताक यानी कि अब वो अगर गाड़ी लेता है मतलब अब अगर वो को गाड़ी लेता है गाड़ी परचेस करता है अदद उसका ताक में आ रहा है तो इसका मतलब है उसके ऊपर गाड़ी थोड़ी सी भारी रहेगी ये मेरा अपना ख्याल है और ये तजर्बा भी है हाँ मतलब ये नहीं है कि इसको अगर आप दीन से जोड़ दो या रूहानियत से जोड़ दो या सिलसिले से जोड़ दो इसका सिलसिले से रूहानियत से दीन का कोई ताल्लुक नहीं है ये एक तरीक़ेकार होता है अब जाहिर अतबार में हम जिंदगी बसर करते हैं ना तो इल्म लदत की बड़ी कैलकुलेशन होती है तो तजर्बात में जो बात फ़ायदेमंद होती है मैं आप लोगों को वो तालीम कर देता हूँ जो फ़ायदेमंद नहीं होती वो मैं इसके बारे में जिक्र भी नहीं करता तो अब हर हुरछिफाई हरूफ जो हैं वो अलीब बा ता सा तोें जोएं फ़े काफ लाम और या हैं अब इन हर्फों के अंदर इसमें आतिशी भी हैं इसमें बादी भी हैं इसमें आबी भी हैं इसमें खाकी भी हैं आई बस समझ में। अब कौन से हर्फों का ताल्लुक किस सैारे से वो भी हम इसका भी जिक्र कर देते हैं मिसाल के तौर पर अब हम लिखते हैं आबी आतिशी बादी और खाकी सबसे पहले अगर हम आ जाते हैं कि आतिशी हरूफ इसमें है तीन तीन हरूफ इसमें आतिशी है वो तीन हरूफ आतिशी कौन से हैं इसके अंदर अलिफ तोय और फे अलिफ तोय और फे ये हरूफ आतिशी हैं अब तीन ही हरूफ इसमें बादी हैं अब तीन हरूफ बादी कौन से हैं इसमें तीन हरूफ इसमें बादी हैं तीन हरूफ बादी कौन से हैं इसमें ते यानी कि ये और बा अली बा ता यानी कि ता या और बा ये तीन हरूफ बादी हैं अब खाकी जो हरूफ हैं वो भी अच्छा खाकी इसमें एक है एक हरूफ की है वो एक हरूफ हाकि कौन सा है वह है लाम और आबी ये भी तीन हरूफ हैं ये मैंने लिखा ही नहीं तीन हरूफ आबी हैं अब तीन हरूफ आबी कौन से से या नहीं, नहीं काफ आएगा या नहीं है काफ काफ और तो ही ये तीन हरूफ हैं तीन हरूफ हैं तीन हरूफ हैं और एक हरूफ है अब इसमें से सारों का भी ताल्लुक है मैं अगर कहो तो मैं वो भी समझा देता हूँ अब इसमें से जो हरूफ है इसमें से दो हरूफ जहल से ताल्लुक़ हैं ठीक है ठीके? और दो हरूफ अतार्थ से ताल्लुक है और तीन हरूफ चार हरूफ मरीख से ताल्लुक है और एक कमर से और एक जहरा से जहल से जिन हरूफों का ताल्लुक है वो अलिफ और बा है जो जहल से ताल्लुक़ है ठीक है अब अतारस से जो ताल्लुक़ है वो ते और से है मरीज से जो चार हरूफ हैं कि जिनका ताल्लुक है वो है तो लाम और या कमर से एक ही हरूफ है जो है जोए और जहरा से एक है जो है फा। अब ये चीज़ नोट करें ये वो हैं जिनका तरुफ बुर्ज से है हरूफ ये वो हैं कि जिनका ताल्लुक़ अनासर से है ये हरूफ के कहलाते हैं ये बुर्ज हरूफ कहलाते हैं शिफाई ठीक है और ये कुल टोटल हरूफ हैं जो दस है जिनकी तादाद ये हरूफ है अब ये है इन हरूफों की तरतीब यानी कि इनके अदद भी मैंने बता दिया आपको कौन से आतशी कौन से बादी कौन से आबियो कौन से खाकि अच्छा अब आते हैं हम मर्ज के लिए अच्छा देखो अब हर इंसान का अपना एक मिजाज है किसी का गर्म है किसी का तर है किसी का सर्द है किसी का खुश्क है चार अनासर है ना तो चारों की तरतीब है यानी कि आतिशी गर्म सर तर और खुश ये हिकमत है यानी कि तब से रिलेटेड है अब अगर हम इसको इल्मुल मुफरिद मुफरिदात में लेकर आते हैं आई बस में तो असाबी गुद्दी उजलाती ये उसमें आ जाता है छह में अब मिजाज क्या बनता है किसी का गर्म खुश्क होता है किसी का खुश्क तर होता है किसी का गर्म तर होता है किसी का गर्म खुश्क होता है अब ये इसी के महा घूमता है इसी के महा ये घूमता रहेगा इसी के मिजाज से पता लगता रहता है कि किसका मिजाज क्या है अब मिसाल के तौर पे अगर आतिशी गर्म है तो इसका घर क्या है जिगर क्योंकि जिगर हमारे अंदर हिद्दत और हरारत रखता है यानी कि तमाम बॉडी के अंदर जिस्म के अंदर खून का जो ताल्लुक होता है वो हमारे जिगर से होता है तमाम हर किस्म की गर्मी हिद्दत हरारत सब उससे होता है अब मिसाल के तौर पर अब हम लेते हैं जैसे आबी आ गया यानी इसका ताल्लुक़ दिमाग से हो गया यानी असाब से हो गया जिसको हम असबी कहते हैं असाबी कहते हैं आई बस समझ में अब ये बीमारियों को की तरफ़ मैं आ रहा हूँ अब जैसे मिसाल के तौर पर किसी को असाबी बीमारियाँ हैं अब असाबी बीमारी के अंदर जैसे नज़ले का होना जैसे नज़ला बहना आँखों से पानी आना आई बस समझ में और जरियान की शिकायत होना लेकोरिया की शिकायत रहना कमर में दर्द रहना असाबी कमज़ोर हो जाना असाब कमज़ोर हो जाना नर्वस सिस्टम डाउन हो जाना भूल जाना दिमागी अमराज दिमागी अमराज में डिमेंशिया हो गया डिप्रेशन हो गया स्ट्रेस हो गया एन्जायटी हो गया इस किस्म के अमराज में अगर हम इन हरफ़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ़ायदा होगा यानी कि साफ कौफ़ और स्वाद अब दूसरा मरीज है अब मिसाल के तौर पे उसके जिस्म की गर्मी बढ़ी हुई है उसकी हिद्दत निकल गई है उसके जिस्म में दाने बढ़ गए अगर वो कोई गर्म चीज़ खा देता है उसको एलर्जी हो जाती है उसके जिस्म में खून नहीं बनता उसको फिसाद खून हो जाता है उसको अलर्जी रहने लगती है इसको एक्जीमा हो गया हो जल्दी अमराज हो गया हो अगर वो मरीज़ के जो जिसको गर्म मिजाज जिस जिसपे अटैक करता है तो उन लोगों के लिए अगर इन हर्फों का इस्तेमाल किया जाए तो वो फायदा करता है यानी कि अलीफ तोय और फे अब आ गया लाम अब जैसे किसी को दिल का अमराज है किसी को पट्ठे सख्त होते हैं पट्ठिया करते हैं सर्दियों में देखें ना आप पटिया करते हैं दिल का मर्ज हो जाता है तो उसमें जो हरूफ तसिर रखता है वह है लाम अब लाम की नुमेरिकल वैल्यू है तीस ये मैंने फॉर एग्जाम्पल दिया आपको समझाने के लिए लेकिन असल मकसद आपको समझाना सिर्फ और सिर्फ ये कि हर्फ शिफाई जो है जो मैंने आपको बताया अब हम इसके जरिए तुलसम कैसे बनाते हैं और किस तरह हम मर्जों से शिफा याब होते हैं किस तरह हम अपने अंदर की बीमारियों को खत्म करते हैं आइए अब हम उस तरफ बढ़ते हैं ये चीज नोट कर लें <coughs> ये चीज नोट कर लें ठीक है थीके? ये समझ में आया होगा जूम किया हुआ था या नहीं तुमने ओके okay. शिफाई हर्फ क्या थे अलीफ जोए, फे काफ लाम और या एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ये हरफ हैं ठीक है मैं इसका नक्श भी आपको बताऊंगा कि पहले मैं इसकी इबारत आपको समझा देता हूँ कि किस तरह हम इसको पढ़कर इन हर्फों की एक तरतीब से हम इससे फ़ायदा ले सकते हैं अब आती है इलाही बहुरमत ठीक है अलिफ बे ते और से मैं अलिफ ये पढ़ेंगे अब तस्सा अब तस्सा अब तस्सा अलिफ बा ता और सा अब तस्सा अब तस्सा इलाही बहुरमत अब तस्सा ठीक है अब पढ़ेंगे तुजफ यानी कि तोए जोए और फे अब सत्ता कुल्ली ये बड़े काम की इबारत है ये वो हैं कि जिनसे इबारत बनी है जो टोटली शिफाई हर्फ कहलाते हैं और अपने अंदर जादुई कुवत रखते हैं यानी कि ऐसी कमालात की कुवत, जिसके बारे में कहा जाता है कि तुलसम जिसे कहा जाता है जिसे फोरी काम होने वाला कहा जाता है कुल्ली यानी ली इलाही, अब तस तुजफ, कुल्ली ठीक है ये इबारत आ गई अब यहाँ पे आएगा मिसाल के तौर पे, फला, बिन फला, ये अमल है याद रखिएगा ये अमल में आपको समझा रहा हूँ इलाही बहुरमत, अब तुजफ, तुज़ कुल्ली फला बिन फला, यानी कि अब मिसाल के तौर पे, जैसे अब मैं नाम लिख देता हूँ चलो अब एक मरीज है जिसका नाम है जिशान, षान रज़िया एक मिसाल के तौर पर नाम दे रहा हूँ मैं ठीक है

ठीक है अब मिसाल के तौर पर उसको मर्ज़ कोई जिगर का मर्ज़ है कोई दिल का मर्ज़ है कोई दिमाग का मर्ज़ है कोई जिन्नात का मर्ज़ है जादू का मर्ज़ है नज़र का मर्ज़ है नज़र बद का मर्ज़ है हास्तिन के हसर का मर्ज़ है या किसी किस्म का को कोई अमराज है उसको तो उसके लिए ये है तो आपने उन्नीस सौ बावन को अब हमने करना किस तरीके से है ये बेटा मुझे मोबाइल देना एक मिनट कैलकुलेटर टर वन नाइन उन्नीस सौ वन नाइन उन्नीस सौ बावन बनता है ना सत्रह सौ वन नाइन फाइव टू वन नाइन फाइव टू ये हमें ग्यारह दिन में ये अमल करना है इसको करेंगे इस तरीके से कि दस दिन हम वन नाइन्टी फाइव वन नाइन्टी फाइव मल्टीप्लाई नौ वन नाइन्टी सेवन मल्टीप्लाई एक वन नाइन्टी फाइव को वन नाइन्टी फाइव मल्टीप्लाई नौ को कितने दस बनते हैं सत्रह सौ पचपन ठीक है और सत्रह सौ तो पचपन वन नाइन्टी सेवन आखिरी दिन पाँच पाँच दस ग्यारह बारह बारह का दो हाँ लगा एक दस पंद्रह का पाँच हाँ लगा एक और आजद कितने आ गए वन नाइन तुम्हारा ये काम नहीं कर रहा वन सेवन डबल फाइव जमा वन नाइन फाइव वन नाइन सेवन उन्नीस सौ बावन अजद आ गए यही तो हमने क्या करना है कि अगर हम किसी को पढ़ने के लिए बताते हैं तो अब जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी को बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा ये मर्ज है ना तो तुम एक काम करो ये तुलसम अपने पास लिख लो लिख के और इतनी मरतबा यही इबारत पढ़ के इसके ऊपर दम कर दो और दस दिन तक दम करके उसके ऊपर बाजू पर बांध दो या उसको पढ़ने को दे दो या उसके पानी दम करने दे दम किसे किया जाएगा एक सौ पचानवे मरतबा वन नाइन्टी फाइव ये नौ दिन तक पड़ेगा और डेली पानी में दम करता रहेगा ठीक है और जो दसवां दिन होगा ना दसवें दिन वन नाइन्टी सेवन पड़ेगा तो अदद बन जाएंगे पंद्रह उन्नीस ये इसके अदद हैं पूरे किसके हरफ शिफा के ठीक है ये पढ़ा जाएगा इस तरतीब के साथ अब उन्नीस सौ बावन अब जैसे मिसाल के तौर पर आप एक शख्स वन नाइन्टी फाइव बार पढ़ता है उसको बहुत ज़्यादा मखसूस सा टाइम लगेगा ये पढ़ने के लिए पढ़ के दम करने के लिए या पढ़ के उसके लिए दुआ करने के लिए है आप इसको अपने लिए भी कर सकते हो आप किसी मरीज़ के लिए भी पढ़ सकते हो अब किसी मरीज़ के लिए आप पढ़ते हो तो आपने इसको क्या करना है कि आप खुले आसमान के नीचे भी पढ़ सकते हो आईबा समझ में और घर में भी पढ़ सकते हो इसको रात के टाइम भी पढ़ सकते हो उसको दिन में भी पढ़ सकते हो उसको किसी भी टाइम पढ़ सकते हो इसमें कोई कैद नहीं है लेकिन पढ़ना आपने इसी तरीके से होगा कि नौ दिन आपको 195 पढ़ना है और दसवें दिन आपने 197 करना है तो अदद हमारे आ जाएंगे उन्नीस सौ के उन्नीस सौ अदद कैलकुलेसन करेंगे हमारे पास हिंसा आएगा आठ का जो उस शख्स के लिए शिफा का बाइस बनेगा ठीक है पढ़ेंगे किस तरीके से इलाही बहरमत अब तसा तुज़फ़ कुल्ली ठीक है किशान बिंद रजा को इस मरसो निजात मिले भाक ला इला महमदुल रसोल्ला अच्छा इसमें आप मकसद भी बयान कर सकते हो और अगर मकसद ना बयान करना चाहो तो इलाही बहरमत अब तस तुज़फ़ कली भाक ला महमदर रसोल्ला इस तरीके से भी पढ़ सकते हो 195 नाइन्टी मरतबा जब आखिरी इस पर आओगे ना आखिरी के दो बचेंगे यानी कि 195 नौ दिन पढ़ेंगे और 197 नाइन्टी दसवें दिन पढ़ेंगे तो आखिरी वाली जो तस्वीर होगी आखिरी तस्वीर वाली तस्वीर होगी ना आखिरी में जो दो दाने होंगे उसमें आप निशान का नाम लेकर अपना मकसद बयान कर लेंगे इस तरतीब से भी पढ़ा जाता है और नाम लेके भी पढ़ा जाता है और मकसद बयान करके भी पढ़ा जाता है अगर कोई शख्स वो मकसद बयान करना नहीं चाहता वो मकसद बयान ना करे वो अपने दूसरे मर्ज के लिए इस तरीके से पढ़ ले इलाही बहरमत अब तस तुजफ़ कुल्ली भाग के ला मोहम्मद रसोल इलाही बहरमत अब तस अब तसद तुज़फ़फ़फ़फ़फ कली भाग के ला ला महमद रसोल्ला इलाई बहुमत अब तसा तुज़फ़फ कली भाग के ला महमदरसोल्ला इस तरीके से ते पढ़ेगा और जब वन नाइन्टी फाइव कम्प्लीट हो जाएगा आखिर में दो गजा उसमें मकसद बयान कर लेगा जिसके लिए काम करना चाहते हो अब ज़रूरी नहीं कि आपने हर दफ़ा में उसका नाम लेना है अगर आप नहीं करना चाहते हर दफ़ा में नाम नहीं लेना चाहते तो आप हर दफ़ा में नाम ना लें अगर हर दफ़ा में मकसद बयान करना चाहते तो आप हर दफ़ा में मकसद बयान कर सकते हैं इसके दोनों तरीके हैं <kuh> अगर आप नाम लेके करना चाहते हो तो आप नाम लेके कर सकते हो अगर आप बग़ैर नाम के साथ पढ़ना चाहते हो तो आप बग़ैर नाम के साथ भी पढ़ सकते हो उसको ठीक है ये अमल भी है अच्छा खाली इस तरीके से पढ़ने से आपके अंदर से रूहानी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं जिसमानी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं मोजी अमराज ख़त्म होते हैं अगर आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ी होती है वो चीज़ ख़त्म होती है क्योंकि ये वो शिफाई वफाई है अपने अंदर लेके कर बैठती हैं जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसका असर हमारे अपने अंदर वजूद पर होता है क्यों क्योंकि यही वो हर्फ हैं कि जो पढ़ने वाले की ज़िंदगी को बदल देते हैं क्योंकि हर हर्फ एक तासीर एक असर रखता है उसकी मिसाल जैसे मैंने अपने स्टूडेंट को समझाई थी अब जैसे मैं आपको बोलता हूँ भाई आ जाएँ आप मेरे साथ खाना खा लें बड़ी इज्जत के साथ बड़े अच्छे अल्फाज है उसको अच्छा लगता है अब किसी को हम बदतमीजी से बोलते हैं आप ये खाना ठूंस ले तो उसको बहुत बुरा लगेगा जबकि मकसद दोनों का एक ही है मैंने बुलाया खाने पे ही है एक को कहा खाना ठूस लो को कहा खाना खा लो तो गोया हमारे लहजे में हमारे कहे हुए अल्फाज की इतनी अहमियत होती है कहते हैं कि जो जख्म जो अल्फाज के ज़खम होते हैं ना वो तलवार से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं क्योंकि तलवार के ज़ख्म एक वक्त में आगे बढ़ जाते हैं लेकिन किसी के कहे हुए अल्फाज वो जख्म आपके दिल में जो लगते हैं आपके जिसम पे जो लगते हैं वो कभी नहीं ख़त्म होते हैं। मिसाल देते ना इसीलिए यही वो हर्फ है कि जो शिफाई आप पर आपके लगे हुए ज़ख्मों को ठीक करने के अपने अंदर सलाइयत रखते हैं आइए मैं आप इनका नक्शी बता दूँ क्योंकि वक्त बहुत ही तेज़ी से गुजरता है बाकी आपके मसाइल और उनके हल के लिए क्योंकि हमारा ये है सफीना मसाइल में ना इसमें हम आपके मसाइल सुनते हैं लेकिन कुछ अरसे से ऐसा चल रहा है हमारे साथ कि ट्रांसमिशन में इतना वक्त हो जाता है कि आपके मसाइल सुनने की नौबत भी नहीं आती तो वो लोग जो अपने बारे में जानना चाहते हैं सखारा करवाना चाहते हैं अपने हालात मालूम करना चाहते हैं कि उनके साथ क्या मामला है मर्ज है जादू है टोना है आसेब है बीमारी है नजर है क्या है जिसकी वजह से परेशान है तो वो अपना नाम अपनी वालदा का नाम लिख कर इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारा नुमाइंदा आपको जवाब देगा आपको समझाएगा अगर आप इलाज कराना चाहते हैं तो फिर इलाज उसका मैं खुद उसका इलाज करूंगा इनशाला ठीक है आइए अब हम चलते हैं इन हर्फों के नक्श की तरफ इन हर्फों का नक्श क्या है हमने पहले बना लेना एक मरबा ठीक है िफ قاف लाम और या ये है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब ये हरूफ इधर आ जाएंगे अलीफ़ बा ता सा तोए जोए फा काफ लाम और या और यही हो इधर आ जाएंगे अलिफ बा ता सा तोए जोए फा काफ लाम और या यही हरूफ इधर आ जाएंगे अलिफ बा ता सा तोए ज़ो तो ज़ो फ़ काफ़ लाम और या अब यही हरूफ इसमें बनेंगे क्रॉस की तरफ़ बा ता सा बाएँ जो फ़े काफ़ लाम और ये अब ये ग्रुप इस तरह बनेंगे अलिफ बा ता सा तो जोए सा काफ लाम और या अब यहाँ पे आ जाएगा बिस्मिल्ला शाफ़ी यहाँ आ जाएगा बिस्मिल्ला बहुत ज़बरदस्त तावीज़ है माफी और यहाँ आ जाएगा बिस्मिल्ला कॉफ़ी बसमिल्ला काफी, अब यहाँ जो आएगा ना यहाँ आएगा इलाही, बहुरमत इलाही, बहरमत, अलीफ बे ते से अब तसा तोय और फे तुजफ कुली बहा इलाम रसूल सल ठीक है ये इसका नक्श है किसका हर्फ शिफा ये कौन सा तो नक्शे लाता है नक्शे शिफा तरतीब आपने समझ ली है मैंने पहले पूरा खाना बनाया और फिर यही दस हरूफ़ इधर आ गए दस बीस तीस चालीस पचास और साठ साठ हो गए सत्तर अस्सी नब्बे और सौ ये तरतीब है सौ अगर ज़ीरो ज़ीरोते हैं पूरे दस या ज़ीरो बढ़ाते रहते हैं कोई अहमियत नहीं वैल्यू एक ही है तो हम इस तरीके से हमने पूरे हरफ लिख लिए और फिर ये पूरे हरफ आ गए ऐसे हरफ शिफा यहाँ बसमिल्ल शाफ़ी बसमिल्ल माफ़ी बसमल काफ़ी इलाही बहरमत अब तस्तुज़फ़फ़ कल बक्के ला महमदुलर रसोल्ला अब ये नक्श अगर आप इसकी ज़कवात अदा करना चाहते हैं तो ये नक्श रोज़ाना दस बार लिखना है और चालीस दिन भी लिख सकते हैं और इसको दस दिन भी लिख सकते हैं इसको तीस दिन भी लिख सकते हैं इसको बीस दिन भी लिख सकते हैं और दस नक्श रोजाना दस दिन तक भी लिख सकते हैं इसका तरीका है दस नक्श रोजाना दस दिन भी लिख सकते हो दस नक्श रोजाना बीस दिन भी लिख सकते हो दस नक्श रोजाना तीस दिन भी लिख सकते हो दस नक्ष रोज़ाना चालीस दिन भी लिख सकते हो तो उसकी ज़गात भी अदा हो जाएगी अगर मिसाल के तौर तो पर आप बोलो कि जो तो इसकी ज़गात नहीं अदा कर सकते लेकिन परेशान हैं बीमारियाँ हैं उनको इस्तेमाल करना है तो मेरी तरफ़ से उनको इजाज़त है कि ये नक्श लिख के मरीज़ के गले में डाल दें और फिर आप इसका कमाल देखिएगा अच्छा ये नक्श मरीज़ के गले में भी डाला जा सकता है ये नक्श मरीज़ को पिलाया भी जा सकता है ये नक्श आ, ये नक्श मरीज़ के ऊपर से उतार कर इसको किसी दरख्त पर भी लटकाया जा सकता है आई बस समझ में इसको समंदर में भी बहाया जा सकता है आई बस समझ में इसको आ, ये नक्श ये समझ लें कि आपके अंदर के हर किस्म की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है अब बच्चे हैं बच्चे बीमार पड़े हुए आपने यही नक्श लिख बच्चे के गले में डाल दिया बच्चा चौंकता है बच्चा डर जाता है बच्चे को खांसी के झटके लगने शुरू हो जाते हैं बिला वजह खांसी में खून आने लगता है उसको उल्टी होने लगती है खाना हज़म नहीं होता दूध नहीं पिया जाता बच्चा ऑटिज़म का पेशेंट है बच्चा बोल नहीं पाता बच्चा एक्टिविटी नहीं करता एक जगह बैठा रहता है निगाहें टिकी रहती हैं ऐसे बहुत सारे मरीज़ आते हैं मेरे पास तो उन तमाम अमराज के लिए आप ये नक्श लिखकर उस बच्चे के गले में डाल सकते हो उस बच्चे को उसका पानी बना के पिला सकते हो अगर आप इसकी जकात अदा करना चाहते हो तो आप दस नक्श रोजाना लिखोगे दस नक्श रोजाना लिखोगे इसके अच्छा अब आप दस नक्श रोजाना भी लिख सकते हो और आप इसको उन्नीस नक्श भी लिख सकते हो यानी कि अगर आप इसकी जकते कबीर अदा करना चाहते हो तो आप इसको इस तरती से लिखना शुरू करो कि उन्नीस की तादाद मुकम्मल हो जाए यानी कि जो इस हरूफों के अदद बनते हैं वन नाइन फाइव टू ये इसके अदद बनते हैं इतने ही नक्श अगर लिख लिए जाए तो इसकी तादाद अदा हो जाती है अब इतने नक्श लिखना तो परेशानी का बायस है तो दस नक्श रोजाना लिखना शुरू कर दो दस दिन लिख दो दस से दस लिखोगे तो सौ हो जाएगा दस से बीस लिखोगे तो दो सौ तीन सौ चार सौ और अगर आप लगातें कबीर अदा करना चाहते हो तो उन्नीस सौ बावन नक्श ये लिख लो उसके बाद फिर किसी नक्श की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको शिफा के मामले में बीमारियों के मामले में अमराज के मामले में आप अगर हकीम हैं आप अगर तबीब हैं आप अगर डॉक्टर हैं आप अगर डेंटिस्ट हैं आप कोई भी डॉक्टर लगते हैं या आप फिजिथरापिस्ट हैं या फिर आप इकोपेंचर करते हैं या फिर आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं कुछ भी हैं जिसका ताल्लुक़ मरीज़ और मौलिश का है आप इस नश की जक़ात अदा कर लें अल्लाह तबारा ताला आपके हाथ में ऐसी शिफा देगा कि जिससे लोगों को शिफा मिलेगी आपकी थोड़ी सी मेहनत मरीजों के काम आएगी आपकी थोड़ी सी रियाजत हो सकता है उस मर्स वो जो मरीज़ जिस मर्स जिस तकलीफ़ में उसको उससे निजात मिल गई उसके दिल से जो आपके लिए दुआ निकलेगी आपको वो दुआ आसमानों की बुलंदी पर ले जाएगी तो मेरी तरफ से इस नक्श की भी इजाज़त है इसकी तरतीब भी मैंने समझा दी इसका तरीक़ार भी मैंने समझा दिया नक्श इसको हरफ शिफा भी बता दिया और अलीफ काफ, लाम और या इसकी नोमरिकल वैल्यू भी बता दी इसमें अच्छा कौन से अदद इसमें सात नहस वो मैंने बताया नहीं बताया इसके अंदर तकरीबन तकरीबन सात जो है ना वो समझ लो कि सात के उसमें आते हैं और बाकी हर्फ अपनी मिसाल आप हैं तो इंशाल्लाह शेरी तरफ़ से इस नक्श की आप लोगों को इजाज़त है ठीक है आप इस नक्श को लिख सकते हो अल्लाह बेटा पानी पिलाना आप अपने मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो ठीक है और इसके अलावा बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रूहानी दौरा यूएई का है जिसमें दीवान तारीख़िया शादियाँ सजाया जाए जाएगा आप लोगों के लिए जो लोग दुनिया में जहाँ भी रहते हैं और जो लोग पाकिस्तान नहीं आ सकते प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे दुबई में मुलाकात कर सकते हैं और दुबई में मैं इंशाल्लाह शाह शारजा में हमारा दीवान तारीख शाद लिया होगा जिसमें महफ़िल होगी जिसमें बयान होगा जिसमें जिक्र असकार किया जाएगा जिसमें दुआ होगी और फिर आप लोगों से मुलाकातें होंगी उसमें लेडीज़ जेंट्स उसमें ख़वा सब उसमें शिरकत कर सकती हैं खातन के लिए अलीदा अहतमाम परदे का अहतमाम है और जब इन शाह तहफिल से फारग होंगे तो फिर वहाँ पर हमारे पास कुछ कीमती तबरक़ात भी हैं अहमद कीमती तबरक़ात भी हैं जो कदीमी हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं जो हज़ारों साल पुराने कुरान पाक है हज़ारों साल पुराने वो तस्बीहात हैं वो कुछ है जो समझ लें कि बुज़ुर्गों के हाथों से गुजरे हुए हैं उनके इस्तेमाल किए हुए हैं चीज़ें जिनको हम तबरुकात कहते हैं इन शाला कि जब हम वहाँ अपनी महफिल से फारिक होंगे फिर हम उसकी ज्यारती भी कराएँगे और फिर ज़्यारत कराने के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात का सिलसिला भी रहेगा और जो लोग मुझसे मुलाकातें करना चाहेंगे वो मुझसे वहाँ पर अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अपने मसाइल और का डिस्कस भी कर सकते हैं अपने मसाइल और उनके हल के लिए मुझसे दुबई में मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे तमाम शागिरद जो मुझसे मिलना चाहते हैं जो सऊदी अरब में रहते हैं जो कतर में रहते हैं जो अमान में रहते हैं जो यमन में रहते हैं जो शाम में जहाँ जहाँ जिन जिन का जो ताल्लुक़ है वो वहाँ वहाँ दुबई में आकर इस महफिल में भी शरीक हो सकते हैं और फिर सलासिल के अंदर फिर आपको मुरीद भी किया जाएगा और सिलसिले की बरकतें भी मिलेंगी और सिलसिले की शिजरे भी तकसीम किए जाएंगे और सिलसिले की अमानतें भी आप लोगों तक पहुँचाई जाएँगी तो इन शाह ते दौरा मेरा सिलसिले की तरफ से है और मेरे मुरशद की तरफ से है और अलहदिल्ला इस दौरे में मैं आप लोगों से मुलाकात भी करूंगा मैं साहबजादा मियाँ हज़ूर डॉक्टर अब्दुल अब्दुलवाजिद शाजली आप लोगों का मंतजर रहूँगा कि आप लोग इस महफिल में शारिक हों महफ़िल में शर्क हों मेरा और मेरे सिलसिले का फैज से आप फ़ायदा उठाएँ तो अलहमदिल्ला जब लोगों को ख़बर हुई तो कोई यू से आ रहा है कोई स्पेन से आ रहा है कोई जर्मनी से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है तो आप लोगों को भी मैं यू में दावत देता हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं जो लोग मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं जो लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं जो लोग मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं उनको दावत देता हूं कि वो यूएई में शारजा में दुबई में इन शाह तल बार तेरह और चौदह जनवरी सन 2024, यानी जुमे वाले दिन हमारी पहली नशस्त होगी फिर तेरह को नशस्त होगी और फिर चौदह को नशस्त होगी तीन नशस्तें हमारे लिए होंगी बाकी मैं वहाँ कोई दिन ठहरूँगा और उसके बाद फिर मैं वापसी अपने मुल्क का सफ़र करूँगा तो अपने मसाइल और उनके हल के लिए आप अपना व्हाट्सअप नंबर भी लिख सकते हो आप इस दौरे में भी शामिल हो सकते हो ये रूहानी दौरे की पोस्ट है ना ये तो इस रूहानी दौरे की पोस्ट में अपना नाम अपनी वालदा का नाम लिख कर आप अपने ज्वाइन हो सकते हो अच्छा महफिल में जो लोग शरीक होंगे जिक्र में जो लोग शरीक होंगे वो सब मेरे साथ शामिल होंगे दुआ में भी जिक्र में भी मुलाकात में भी और फिर जो लोग मुझसे स्पेशली मिलना चाहेंगे फिर वो अपॉइंटमेंट मेरा लेंगे और फिर वो मुझसे मुलाकातें करेंगे फिर अपने मसाइल और उनके हल के लिए मुझसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह तो फिर इंशाल्लाह इन आप लोग तैयार हो जाइए मैं इनशाला ती अपने रक्त सफ़र बांधता हूँ इन लोगों से यू ए में मुलाकात होगी तो इन शाला तल मेरी कोशिश ये होगी कि मैं मंगल बुध को मैं यहाँ से रवाना हूँ ताकि जुमे वाले दिन आप लोगों से मेरी दुबई में मुलाकात हो जाए और फिर मेरे वो पेशेंट जो कराची में मेरे क्लिनिक पर आते हैं बफरजोन में आते हैं मैं उन तमाम से ये कहना चाहूँगा कि अभी तकरीबन हफ़्ता इतवार पीर और बुध तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मुझसे यहाँ कराची में मुलाकात कर सकते हैं इसके बाद फिर मैं जब चला जाऊँगा तो इन शाला तस से बारह दिन के बाद मेरी वापसी होगी तो दस से बारह दिन के बाद फिर मैं क्लिनिक पर बैठूँगा तो फिर मुझसे क्लिनिक में मुलाकात कर लेना अब वो पेशेंट के जिनका मेरे पास इलाज चल रहा है दवाएँ चल रही हैं नक्श लेके जाते हैं बखूरात लेके जाते हैं और अपना इलाज जिनका कंटिन्यू चल रहा है तो वो अपना इलाज कंटिन्यू करें अच्छा मेरे वो लोग के जिनका ताल्लुक पंजाब की सरजमीन से है पंजाब की सरज़मीन भी बुज़ुर्गों की सरजमीन है पंजाब को तो दुआ है दाता साहब की पंजाब को दुआ है हजरत इमाम बरी सरकार की पंजाब को दुआ है हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शक्कर रमतल आल की पंजाब को दुआ है हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमत ला की पंजाब में बड़े बड़े बुजुर्ग पैदा किए हैं पंजाब की सरजमीन ने बड़े बड़े बुज़ुर्ग पैदा हुए हैं तो वो मरीज़ के जो पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है जो मेरे मरीज़ हैं जो मेरे जेर साय में इलाज जिनका चल रहा है तो वो जिन नंबर से उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था पंजाब के लिए वो उस नंबर पे मुझसे रब्ता करके आ, अपने मसाइल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और जिनका इलाज चल रहा है जिनका इक्कीस दिन में पूरा हो गया जिनका बीस दिन में पूरा हो गया जिनका अट्ठाईस दिन में पूरा हो गया जो पंजाब से जिनका ताल्लुक है तो वो भी अपने मामले में हमें बता सकते हैं कि उनके हालात और मामला का क्या हल निकला क्या मामला रहा तो वो भी मुझसे अच्छा आप लोग जब इलाज करवाए करें तो कोशिश करा करें मुझसे रबते में रहने की अगर मिसाल तो हमारे इतने नंबर मौजूद हैं अब जिसका इलाज चल रहा है वो मुझसे रबता करने की कोशिश कर रहा है मैं भी मजबूरी की सूरत में रबते मेरा नहीं हो पा रहा तो वो कोशिश करें कि मेरा नंबर पर्सनल नंबर आप लोगों तक मौजूद है और इतना आसान नंबर है कि हर छोटे छोटे बच्चों का नंबर याद है सेवन जीरो सेवन ज़ीरो फ़ोर ज़ीरो फ़ोर टेली नॉर ज़ीरो थ्री फोर फाइव का नंबर है आसानी के साथ है और आप मुझसे इस नंबर पर मुझसे पर्सनली रबता कर सकते हो तो अब सफ़ीना निजातलमसाइल में अलहमदिल्ला हमारी ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुँचती है राह अमलियात में भी मुझे आप लोगों का इंतज़ार रहेगा और इन शाह चाँद शुरू होने से एक या दो दिन पहले आप लोगों तक मैसेज मेरा आ जाएगा कि हम क्लास किस तरह लेंगे किस तरह आप लोगों की क्लास बंदी होगी किस तरह आपके पास लेक्चर पहुँचेगा अब जब स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो हो सकता है हमें फिर कोई दूसरा इंतज़ाम करना पड़े तो अब हमारी टीम इस मुतालिक सोच रही है कि हमारे स्टूडेंट्स अलहमदिल्ला जो इस सिलसिले में तीन महीने के लिए हमारे साथ कमर बस्ता है और उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है तीन महीने मुझे देने के लिए तो इन उनके लिए भी मैं कुछ खास चीज़ें रखूँगा और वो उनको मैं तोहफ़े में दूँगा उनको समझाऊँगा और फिर आगे हमारा ये काफ़िला यूँ ही चलता रहेगा रजब से लेके रमज़ान तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे राह अमलियाज से राह सलूक तक के सफ़र में हर साल आपको कुछ नया मिलता है इस साल भी यकीन रजब शाबान रमान में आपको कुछ नया मिलेगा आपको हमारे चैनल से और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और उन लोगों को भी सीखने को मिलेगा कि जो छुप छुप कर हमारे तरीके अपनाते हैं और फिर अपने ऊपर अप्लाई करते हैं इन जुड़े रहिएगा ये सब मेरे मियाँ का करम है मेरे बुज़ुर्गों का फ़ैज़ है तो मैं तमाम लोगों को दावत दूँगा कि राय अमलिया से रायसलूक तक के सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिएगा अपनी रजिस्ट्रेशन जल्द जल्द कंप्लीट कर लें फीस शबी कोई हम पैसे चार्ज नहीं है कोई कोर्स की फ़ीस नहीं है और इसके अलावा आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप मुझे अपना नाम अपने वालदा का नाम लिख के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पर कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे असलकुम वरहि